अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने 18 सांसदों के साथ आज रविवार को अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनका यह कदम राम मंदिर निर्माण के लिए मोदी सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने के रूप में देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले भी उद्धव ठाकरे ने अपने परिवार के साथ अयोध्या का दौरा किया था और राम मंदिर निर्माण को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। अब लोकसभा चुनाव के बाद साधु संतों के जयकारे के बीच उद्धव ठाकरे खुद भी 16 जून को अपने 18 सांसदों के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। जब लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे पहली बार अयोध्या पहुंचे थे तब कहा था कि राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, शिवसेना राम के नाम पर कभी वोट नहीं मांगेगी, लोकसभा चुनाव के बाद हम फिर अयोध्या जाएंगे। वैसे देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की सियासी विरासत की अयोध्या से जुड़ी है। हालांकि ये बात अलग है कि उनको इसे अयोध्या यात्रा के साथ संभालने का ख्याल 3 दशक बाद आया। राम मंदिर मामले को साल 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया था। इसके जरिए उन्होंने विवादित स्थल पर हिंदू रीति रिवाजों से पूजा करने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा में विवादित भूमि पर अपने नियंत्रण की मांग की थी। निर्मोही अखाड़ा की तरह मुस्लिम सेंट्रल वल्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में विवादित भूमि पर अपना दावा ठोका था। इसके बाद साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया और रामलला विराजमान निर्मोही अखाड़ा व सुन्नी वक्फ को बोर्ड ने बीच को सौंप दिया। अब इसी टाइटल सूट पर आम सहमति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों का पैनल बनाया है जिसे नई समय सीमा के तहत 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करनी है। यह पैनल इस बात की तस्दीक करेगा कि क्या विवाद से जुड़े पक्षों के बीच आम सहमति बन सकती है, अगर हाँ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। इस 3 सदस्यीय पैनल में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायमूर्ति फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू शामिल हैं। इस पैनल की रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही पता चल जाएगा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता आखिर कैसे बनेगा।